एक और बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप गूगल शीट में वर्क करते हैं। देखिए एक्सेल शीट में जब आप जाते हैं, तो देखिए मैं एक्सेल भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अगर एक्सेल में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है। तो डेटा टाइप में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर मिलता है। लेकिन अगर आप गूगल शीट में जाते हैं तो गूगल शीट में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो देखिए ना डेटा टाइप है ये, इसमें कहीं आपको सिनेरियो मैनेजर दिखाई दे रहा है या सिनेरियो जैसा कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी आपको नहीं मिलता यहाँ पर। तो फिर सिनेरियो मैनेजर का यूज जैसे आप एक्सेल में करते हो वैसे इसमें कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब थोड़ा सोचते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है एक्सटेंशन टैब, तो ये दिख रहा है आपको एक्सटेंशन, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको मिलता है एड ऑन, तो बस एड ऑन पे चले जाइएगा गेट एड ऑन पर। जैसे ही जाते हैं तो एक नई विंडो खुल करके आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च बार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्च एप्स, ठीक है। तो इसी सर्च एप्स के अंदर कर्सर को क्लिक करना है, माउस को क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च क्या करना है, सिनेरियो SCE, देखिए यहां पे आ रहा है सिनेरियो मैनेजर फाइनेंशियल टूल किट, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करके इसको इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे सिनेरियो मैनेजर जो आ रहा है इस पर क्लिक करिएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां देखिए कंटिन्यू करिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट से आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने बता दिया और इसे अलाउ भी कर दिया है। तो ये सिनेरियो मैनेजर अब ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप सिनेरियो मैनेजर का जैसे एक्सेल में यूज करते हैं वैसे यहां पर भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब ये डन हो चुका है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे तो सिनेरियो मैनेजर को इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो नीचे आपको सिनेरियोज का एक व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे सिनेरियोज का भी ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आगे यूज भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कैसे इसे एक्टिवेट करना ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये तो बात रही सिनेरियोज की, लेकिन इसमें एक और कमाल का एड ऑन मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक और एड ऑन दिख रहा है नंबर टू टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसे सैंपल पर जाकर के इसे पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ, इसे वर्किंग फॉर्मेट में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इज इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर इज इक्वल टू लगा देना है और यहाँ टाइप करना है NUMBER, नंबर टू टेक्स्ट आएगा और बस इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये है 334, तो क्या ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा इसे, क्या ये 334 इंग्लिश में लिख के आ जाएगा, यही देखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं शायद आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमाल का एड ऑन है ये और यहाँ पर आप देखेंगे तो 334 लिखा हुआ आ गया है, तो क्या नीचे भी आ जाएगा ऐसे करेंगे तो। अब यहाँ पे 1000 में लिख दिया तो क्या इसे ड्रैग करेंगे तो नीचे भी आएगा, तो बिल्कुल आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी आ चुका है, तो है ना कमाल का एड ऑन। और गूगल शीट बहुत ही ज्यादा एडवांस है। फिर यहाँ पर एक बार चेक करते हैं शायद यहाँ पे ना आए, लेकिन अब तो जब इनेबल फिल हैंडल है तो हर जगह आ जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है सोचने वाली। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस एड ऑन का यूज करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में सिनेरियो मैनेजर कैसे यूज करेंगे ये भी दिखाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।